देखते ही देखते हैं। जब बैंगलोर गया था तो इसके साथ मुलाकात पार्टी में मिला था, तो दोनों के बीच में थोड़ा फ्रेंडशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कि दो अक्यूज जो चेन स्नैचिंग कर रहे थे हैदराबाद सिटी में, उनको डीसीपी टास्क डीसीपी कमिश्नर सर का टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस के पकड़ा था। उनका नाम है मोहम्मद फैजल शाह अली जबरी अलियास अब्दुल्ला सोहेल और मोहम्मद कलीम। ये दोनों से 120 ग्राम गोल्ड रिकवरी हुआ और एक पल्सर बाइक सीज किया। इन लोगों का मॉडल ऑपरेटिव है ये मोहम्मद फैजल शाह अली जबरी या जो अब्दुल्ला है वो प्रीवियस अफेंडर थे। वो दो बार पीडीएक में जेल में जाके आए। अभी रिसेंटली 8 तारीख अप्रैल में बाहर आए थे, तो उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये मोहम्मद कलील बोल के एक और बंदे से मिलके एक प्लान बनाया कि एक सेकेंड हैंड बाइक लिया और जा लाइक वुमेन दिखेंगे उसका चेन स्नैच करने का प्लान बनाए थे। तो इस मामले में तीन जगह केस रजिस्टर हुआ, एक क्राइम नंबर 90/22 शालीपाटा पीएस में और क्राइम नंबर 197/22 नारायणपुरा पीएस में और क्राइम नंबर 333/22 सरो नगर पीएस में केस रजिस्टर हुआ 392 आईपीसी। तो इन लोग आज इंफॉर्मेशन के जो टास्क फोर्स का जो इंफॉर्मेशन कि एक सेकेंड हैंड बाइक लिया और जा लाइक वुमेन दिखेंगे उसका चेन स्नैच करने का प्लान बनाए थे। तो इस मामले में तीन जगह केस रजिस्टर हुआ, एक क्राइम नंबर 90/22 शालीपाटा पीएस में और क्राइम नंबर 197/22 नारायणपुरा पीएसपी और क्राइम नंबर 333/22 सरो नगर पीएसपी केस रजिस्टर हुआ 392 आईपीसी। तो इन लोग आज इंफॉर्मेशन के जो टास्क फोर्स का जो इंफॉर्मेशन थे टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस दोनों मिलकर व्हीकल चेकिंग पे उनको दोनों को पकड़ा थे और 120 ग्राम का जो गोल्ड है पूरा रिकवर किया। इस ऑपरेशन जी चक्रवर्ती डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स के नेतृत्व में हुआ था और इस ऑपरेशन पे राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स और एसआई वी नरेंद्र एन श्रीशैलम के नरसिंहलू के सीनैया और बाकी टास्क फोर्स का स्टाफ के साथ साथ हमारा शालीबंडा का इंस्पेक्टर श्रीनिवास डीआई मुनावर शरीफ और पुलिस स्टेशन का क्राइम स्टाफ सारे मिलकर ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। उसका टोटल वर्क कितना है? 6 लाख। व्हीकल चेकिंग काज कर रहे थे तो नागुल चिंता पे व्हीकल चेकिंग करते प्रॉपर जो ड्रग्स का ड्रग्स का भी इंजीनियर बोलते हैं ड्रग्स का।